और गरियाबंद जिले में 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी आकाश छिकारी ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि मतगणना के लिए चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली है और 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से मतपत्रों की गणना चालू की जाएगी। यह मतगणना 14 राउंड में होगी। इसके साथ ही बिंद्रा नवागढ़ के मतदाता अधिक होने के कारण यहां पर 22 राउंड में मतगणना की जाएगी। उन्होंने कहा कि डाक मतपत्र के रूप में 1994 बैलेट पेपर प्राप्त हुए हैं और सुबह 8 बजे तक डाक से जो भी मतपत्र आएंगे उन्हें मतगणना में शामिल किया जाएगा। जिलाधिकारी आकाश शुक्ला ने कहा कि प्रत्याशी या उनके प्रतिनिधि कोई भी मतगणना स्थल पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस साथ में नहीं ले जा सकेंगे। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के लिए 3 राउंड की व्यवस्था की गई है, जिसमें पहले पुलिस और फिर अर्धसैनिक बल और फिर सैनिक बलों की व्यवस्था की गई है। कुल जो हमारे पंजीकृत मतदाता थे वो 4,54,860 थे और 3,86,728 लोगों ने अपना वोट पोलिंग स्टेशन पे डाला था। और इसके अलावा हमारे पास अभी तक 2,089 डाक मतपत्र आ गए हैं। इसमें से 1994 जो है वो हमारे फिगर फैसिलिटेशन सेंटर के माध्यम से आया है, 28 होम वोटिंग वाला है और 67 अभी तक का ETP बेस का है। कल सुबह 8 बजे तक जो भी डाक के माध्यम से हमें पोस्टल बैलेट प्राप्त होगा वो सभी काउंटिंग के लिए मान्य होंगे। तो मतगणना प्रातः 8 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहले 8 बजे से 8 बजे से डाक मतपत्र और ETP बेस की गणना शुरू होगी और 8:30 बजे से जो VVPAT और CU के माध्यम से कंट्रोल यूनिट के माध्यम से जो मतगणना होनी है वो प्रारंभ हो जाएगी।